अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम अफराद खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ वीडियो में कि हमने करना क्या है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इससे मैं इसलिए दो हिस्सों में बनाऊँगी। अच्छा, पहला जो है आपने क्या करना है, आपके सामने ये मैसेज आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। आपके पास एक तो ये जगह है, यहाँ पर आपको इस पर लिंक दिया गया है, एक आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या ऊपर आपको ही ऊपर ही लिंक नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कर लें। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास ये ऑप्शन है पिटीशन का, ये मेल्स का और ये वाइट हाउस में मैसेज करने का। ठीक है, हमने इसमें पिटीशन पर क्लिक करना है। पहला जो ऑप्शन है हमने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ऐसे ये पेज आ रहा है, आपने नीचे जाना है और देखें यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन है और आज के दिन 7000 लोगों ने पिटीशन दायर की है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज के दिन 7000 लोगों ने दायर किया है और 31000 हो गई हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है इंशाल्लाह। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अच्छा, अब आपके पास ये सेकंड पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट जो है हमारे पास ये हो गया है। अब देखें, ये देखें इस पर ग्रीन लिखा हुआ आ रहा है ना, मतलब ग्रीन डन लिखा हुआ आ रहा है, ये हो गया। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से इस पर क्लिक करना है। पहले ऑप्शन जो है उसमें आपने अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, तो आप डोनेशन पर क्लिक वाले पर क्लिक करें। अच्छा, अब यहाँ पर अगला स्टेप ओपन हो गया, अभी यहाँ पे हो रहा है ये ओपन। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने जो है आपने करना ये है कि आपके सामने ये आखिरी जो पेज है, जब ये तीसरा ऑप्शन आएगा तो आपके सामने ये आ रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं, तो आपने लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये आपने लिंक कॉपी किया और उसके बाद आखिर में जाना है, यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये आपने पिटीशन दायर कर दी है, बस इतना सा काम है। पहली चीज़ ये है, पहला स्टेप है, इतना जिसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसमें यह है कि शुरू में नेम और वो आपका फादर नेम पूछते हैं, आपका ईमेल पूछते हैं, तो वो चीज़ है आपने वो ऐड करनी है।